तो परीक्षार्थियों ने तैयारी पूरी कर ली है और अब बस वो केंद्र पर पहुंचेंगे। लेकिन परीक्षार्थियों की परीक्षा से ज्यादा ये बीपीएससी के साख की परीक्षा भी है। सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे किस तरह की तैयारी है 67वीं बीपीएससी की इस पीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि परीक्षा सिर्फ परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि बीपीएससी की साख की भी होनी है। आदित्य, देखिए दीपक, बीपीएससी 67वीं की परीक्षा विवादों में घिरी रही। जब परीक्षा हुई और उसका क्वेश्चन पत्र लीक हुआ, उसको लेकर के बीपीएससी के साथ साथ सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई थी। सरकार ने जांच के भी आदेश दिए थे और उस केस में अभी तक एक दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बाद में बीपीएससी ने जिस गाइडलाइन के थ्रू फिर से दोबारा एग्जाम लेने की बात की थी, उसको लेकर के भी छात्रों में आक्रोश था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद इंटरवीन करना पड़ा था। और जो छात्रों की मांग थी कि एक पाली में परीक्षा हो, वो बीपीएससी ने माना था। तो आज बीपीएससी 67वीं की पीटी की परीक्षा है। पूरे बिहार में 38 जिलों में 1153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरी तैयारी कर ली गई। बीपीएससी की तरफ से दावा किया गया कि इस बार एकदम फ्री एंड फेयर परीक्षा होगा, उसको लेकर के सारी तैयारी कर ली गई है। तो परीक्षा को लेकर के जो गाइडलाइन दिया गया है कि 11 बजे तक परीक्षार्थियों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर हर हाल में पहुंचना है। उसके अलावे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी मोबाइल या ब्लूटूथ या कुछ भी लेकर के आप परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते हैं। और इस बार जब से 67वीं का बीपीएससी का एग्ज़ाम प्रश्न पत्र लीक हुआ था और जिस तरीके से बीपीएससी को इस मामले में बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ी थी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, इस बार बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा सतर्क है और तमाम परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो भी सेंट्रल मजिस्ट्रेट हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से न छात्रों को कोई परेशानी हो और न एकदम फ्री एंड फेयर जो जिस तरीके से परीक्षा हो सकता है उसको लेकर के जो भी बीपीएससी का गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। तो परीक्षा की लगभग तैयारी हो गई है। 12 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होगा और 11 बजे तक सभी छात्रों को एग्जामिनेशन हॉल में हर हाल में शामिल चले जाने का निर्देश दिया गया है। तो अब से बस एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ ही देर के बाद छात्रों का आना छात्र आना शुरू कर देंगे और 12 बजे से बीपीएससी का 67वीं का एग्जाम शुरू होगा। जी बिल्कुल आदित्य, ये उम्मीद की जाए कि पिछली बार परीक्षा जो रद्द करनी पड़ी थी उस दौरान जो गलतियां होंगी उसे दोहराया नहीं जा सकेगा, इस तरह के पुख्ता प्रबंध जरूर किए गए होंगे। जी दीपक, इस बार जो 67वीं बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उसको लेकर के जिस तरीके से राजनीति भी हुई थी और जांच के जो आदेश सरकार ने दिए थे, उस मामले में बीपीएससी के ही कुछ जो बीपीएससी रैंक के पदाधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनके आरा में जिस सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ था वहाँ के सेंटर मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तार किया गया था और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा और ढेर सारे ऐसे थे जो उस प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उसको देखते हुए बीपीएससी ने इस बार खासी तैयारी की है ताकि वैसी स्थिति न आ पाए जिसको लेकर के पिछली बार बीपीएससी की बहुत किरकिरी हुई थी। तो सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, सारे गाइडलाइंस के अनुसार से ही तमाम सेंटरों पर सेंट्रल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। तो अच्छी बात है कि बीपीएससी ने पुख्ता व्यवस्था तैयार करके रखी है और उम्मीद अब परीक्षार्थियों से है कि वो पूरी तैयारी के साथ केंद्रों पर पहुंचेंगे। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, इन तमाम बातचीत और